यमुनानगर की नई अनाज मंडी में भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी के नेतृत्व में किसानों ने इकट्ठा होकर अंबाला से शामली और कैल से पौंटा साहिब तक निकलने वाले बाईपास को लेकर उचित मुआवजा न मिलने पर रोष जताया। किसानों ने इस जमीन के उचित मुआवजे की मांग की है, लेकिन सुनवाई न होने पर गुरनाम सिंह चढ़ूनी के नेतृत्व में किसान सचिवालय पहुंचे और वहां पर सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। कहा कि उनकी जमीन का उचित मुआवजा न मिला तो वे अपनी जमीन सरकार को नहीं देंगे। देखिए, यहाँ पे दो रोड निकलने हैं और जिनके बारे में कुछ अभी तक किसानों को स्पष्टीकरण नहीं दिया गया कि उनको कितना मुआवजा मिलेगा। वहाँ पे पानी की निकासी कैसी होगी, वहाँ पे बाढ़ के पानी की निकासी कैसी होगी, जो साइडों में कुतरें बचेंगी उनका क्या मुआवजा देंगे, इसकी ऊंचाई क्या होगी, इसके नुकसान क्या होंगे, इसके फायदे क्या होंगे, यहाँ रास्ते कैसे देंगे, वो सारी बातें बीच में हैं जो अभी तक क्लियर नहीं की गई हैं, जिनका क्लियर करना बहुत जरूरी है। और उन्हीं मांगों को लेके आज हम ज्ञापन भी देने आए हैं और डीसी साहब से थोड़ी डिस्कस भी करने आए हैं।